गैस्ट्राइटिस के लिए विशेष रूप से अगर खाने पीने में प्रॉपर तरीके से फॉलोअप हो गया तो निश्चित ही गैस्ट्राइटिस पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। गैस्ट्राइटिस इरोजिव हो, गैस्ट्राइटिस एंट्रल हिस्से पे हो, या फिर गैस ऊपर की तरफ चढ़कर के सिर में भारीपन कराती हो, अगर ये पूरा दिन का रूटीन खाने पीने का सेट कर दिया तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमने सवेरे सवेरे व्यायाम करने के पहले एक बार तो आंवला मिश्री ले लिया, ठीक है, वो ले लिया। उसके बाद में आंवला में एक चम्मच आंवला और दो चम्मच मिश्री लिया, ये कंफर्म है। उसके बाद व्यायाम करने के बाद हम फ्री हो गए। व्यायाम करने के बाद हम फ्री हुए तो व्यायाम के बाद तुरंत बाद हम सौंफ और मिश्री लेंगे, ठीक है, जिसमें एक चम्मच सौंफ का पाउडर और एक चम्मच मिश्री का पाउडर मिला के लेंगे। उसी टाइम घोलना है? अगर पाउडर फॉर्म में है तो बेशक उसी टाइम घोल के बिना छाने पूरा पी लो, अंदर चला गया। या फिर एक तरीका और है कि साबुत सौंफ को रात को एक चम्मच सौंफ आधा ग्लास पानी में घोल के छोड़ दो, ठीक है। अब सवेरे सवेरे फिर मिक्सी की जरूरत पड़ेगी रोज, तो मिक्सी में वो पूरा जो ग्राइंडर होता है ना, मिक्सी का छोटा वाला जार जो होता है, उसमें वो आधा ग्लास पानी और वो पूरी एक चम्मच सौंफ फूली हुई डाल दी, ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया उसका। अब उस पेस्ट के ऊपर अपने एक चम्मच मिश्री का पाउडर डाला, मिश्री धागे वाली होनी चाहिए, ठीक है, वो पाउडर डाल करके अच्छे से चलाया और उसमें आधा ग्लास पानी और मिला लिया, पूरा एक ग्लास कर लिया। अब वो पूरा एक ग्लास पानी अपने को पीना है। इस पानी को ठंडा पानी मिलाएंगे इसमें, ठंडा मतलब मटके का पानी, ठीक है, तो मटके का पानी मिला लेंगे। ये अगर गैस्ट्रिक इरोजन, गैस्ट्रिक अल्सर तक अगर है तो भी ये चीजें लेने से बहुत अच्छा आराम होगा, ठीक है। तो मटके का पानी मिला लिया, ये ले लिया अपन ने। इसके आधे घंटे के बाद हम लेंगे मुनक्का 10 और अंजीर, अंजीर 2। तो 10 मुनक्के 2 अंजीर अच्छे तरीके से रात को धो लिए, धूल मिट्टी निकाल ली उसकी। उसके बाद या तो कांच के ग्लास में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में किसी में आप उसको घोल करके छोड़ दीजिए, ठीक है। एक कप पानी, 10 मुनक्के, 2 अंजीर, उसमें डाल करके रात को छोड़ दिया, ढक के रखना है, कपड़े से ढकने हैं या किसी भी चीज से ढकने हैं, थोड़ा खुला रहे। उसके बाद उसको कोशिश करें थोड़ा एरेशन में, हवा में रखा जाए, कूलर के आसपास रख दें, ठीक है, तो वो रखा हुआ है। अब हम जब सौंफ मिश्री लेने के आधे घंटे बाद मुनक्के और अंजीर खाने के लिए तैयार होंगे तो ये ध्यान रखना है, बीज निकाल करके मुनक्के खाने हैं और एक एक मुनक्का अच्छे तरीके से चूस चूस करके उसका रस आराम आराम से लार के साथ मिलते हुए अंदर की तरफ जाए, तो वो ऊर्जा भी अच्छी मिलेगी और मुनक्का पेट की सफाई कराने में आपकी मदद कर देगा। प्लस मुनक्का आयरन होता है, मुनक्के में अच्छे तरीके से खून बनाने में मदद करेगा, खून बढ़ाएगा, ठीक है। अंजीर जो है ये पेट की सफाई करवा देगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, ये ले लिया। और वो पानी जिस पानी में भिगोया था वो पानी भी अपने को पूरा पी लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लेंगे नाश्ता। अच्छा, नाश्ता उर्दू का शब्द है, नाश्ते को जनरली हिंदी में अल्पाहार और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, उर्दू में नाश्ता कहा जाता है, तीनों चीजें हैं। सामान्य तौर पर इसका नाम जो अल्पाहार है वो अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में और जल्दी पच जाने वाला, ठीक है, जल्दी पच जाने वाला कौन सा? अब अपन ले सकते हैं वेजिटेबल दलिया या फिर वेजिटेबल खिचड़ी। अब सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि यहां फल खा लो, फल नहीं खाने, क्योंकि फल जल्दी पचेंगे, बहुत जल्दी पच जाएंगे, पेट फिर से खाली हो जाएगा, फिर दिक्कत रहेगी। तो अपने को तो वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खानी है। दलिया जौ का या ज्वार का हो जाए, बन जाएगा, हाँ ठीक है, चल जाएगा, पतला सा रहेगा। अब इस वेजिटेबल दलिया को या खिचड़ी को कैसे बनाना है? थोड़ा सा तेल लिया, उसको पतीली में डाला जिसमें अपन दलिया बनाने वाले हैं, उसको तेल को हल्का सा गुनगुना होने दिया, उसके ऊपर से उसमें अपन ने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जलाना नहीं है तेल को, कि जैसे जनरली लोग तेल बहुत गर्म कर देते हैं, जीरा डालते हैं एकदम धुआं हो जाता है, जीरा जीरा जल के राख हो जाता है। अब जब जल के खाक हो गया तो फिर जीरे के गुण सारे खत्म हो गए, फिर बेकार हो गया। तो जीरा बिल्कुल थोड़ा सा तेल में ऊपर की तरफ आना चालू हो उसके तुरंत बाद आप कटी हुई सब्जियां डाल दो, टमाटर, लौकी, तोरई, टिंडा, गाजर, मटर, जो कुछ भी है ना, मिक्स वाली साइड, हाँ जो भी,
और कोशिश करो सीजनल होना चाहिए, और सीजनल होनी चाहिए तो एक फैमिली की सब्जियां अगर डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, आप ये तीनों चीजें डाल दो। अगर कद्दू है घर में, कद्दू ला के रख लो, तीन चार दिन के लिए चल जाता है एक कद्दू, तो थोड़ा कद्दू डाल दिया बारीक बारीक पीस करके। टमाटर एक दो टमाटर डाल दिए, अपने लिए तो एक कटोरी बनाना है, डेढ़ कटोरी, दो कटोरी बना के रख लो। तो वो अपन ने फिर वो सब्जी डाल दी, सब्जी जैसे ही थोड़ी सी तेल के साथ मिलना चालू हो जाए, तेल सरसों का या फिर गाय का घी होना चाहिए जी, कम मात्रा में, ठीक है, उसके साथ मिले, फिर उसके ऊपर से अपन हल्दी डाल दें, धनिया का पाउडर डाल दें, थोड़ी सी हींग डाल दें, और सौंफ का पाउडर या फिर बारीक जो छोटी वाली सौंफ आती है वो सौंफ डाल दें, ठीक है, वो सौंफ डाल दी। उसके बाद अच्छे से चलाया, थोड़ा पानी डाला ऊपर से, थोड़ा सा दलिया बना रहे हैं तो दलिया, और खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल और चावल डाल दिए, और खूब सारा पानी डाल करके फिर उसको जाली रख के खुले में उबालना है, वो बनेगा। और इसका उपयोग अपने को करना है, ये बनाने का तरीका भी होगा, चावल और दाल डाल देते हैं, हाँ बिल्कुल, सब्जियों में डाल देंगे तो क्या रहेगा, वेजिटेबल दलिया और वेजिटेबल खिचड़ी हो गई, मतलब सब्जियों वाला दलिया सब्जियों वाली खिचड़ी हो गई। तो ये अपन एक कटोरी पतला पतला नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, जिसको अल्पाहार बोला जाता है, उसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके चबा के खा लेंगे, ये नाश्ता हो गया। इसके बाद फिर रहेगा लंच, लंच सीधा लगभग 12 बजे के आसपास। लंच के पहले अगर हम खाना चाहें तो 40 मिनट पहले फल खा लेंगे, लेकिन दूसरा मेरे को भूख ही नहीं लगती। अब ये जो अपन तीन चार दिन भी ये रूटीन करेंगे ना, इतनी बढ़िया भूख लगना चालू हो जाएगी। वो जो अपन ने टहलना बताया था ना, जिसको अपन कह रहे थे कि टहलना वजन कम करा सकता है, टहलना वजन नहीं कम कराएगा, टहलना खाने के पचने को बढ़ाएगा, पहले जो भी पड़ा हुआ है ना उसको पचाना चालू कर देगा, और जो पहले का पड़ा हुआ है उसको निकालना हम चालू कर ही चुके हैं। अब जैसे जैसे वो निकलेगा तो फिर दोबारा खाने का मन करेगा, क्योंकि आंतें भरी हुई है ना, लोडेड कोलोन बोला जाता है, कोलोन पूरा भरा हुआ है, निकल के पूरा बाहर नहीं आ रहा है, इसके चक्कर में दिक्कत हो रही है, आंतों में चिपका हुआ है, अपने को लगता है कि पेट भारी है, मोशन जा भी रहे हैं, मल पतला भी आ रहा है, आव चिकनाई भी आ रही है, लेकिन पूरा नहीं निकल रहा, साफ हो रहा है, वो पूरा जैसे होता है ना कि इस तौलिया में है, इसमें अगर मान लो इसमें ऐसे करके कीचड़ भर दिया, लगा दिया जाए, और इस कीचड़ को ऐसे करके पूरा तौलिया ऐसे करके कीचड़ अंदर डाल दिया जाए, अब अगर इस तौलिया को ऐसे करके निचोड़ेंगे ना तो कीचड़ कीचड़ पूरा का पूरा, वैसे तो जो भी है वो निकल के बाहर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर दीवारों में जो ये ग्रूव्स है ना, इन ग्रूव्स में चिपक जाएगा, तो वो चिपका हुआ छूटे कैसे, उसको छुटाने के लिए सवेरे वो ज्यादा पानी पिया, पूरे दिन में अपन पूरे दिन में कम से कम 10-12 ग्लास पानी पियेंगे, खाना पीना अच्छा खाएंगे, थोड़ा व्यायाम करके खून की चाल बढ़ाएंगे, तो फिर हाथों की दीवारों पर चिपका हुआ मल जो है ना वो छूटना चालू होगा, और जब वो छूटेगा तब फिर हाथों का भारीपन, पेट में भारीपन, नाभि के चारों तरफ भारी भारी जो रहता है वो खत्म होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर रोटी जो है वो बहुत मोटे आटे की चोकर की रोटी, कोशिश करें ज्वार की रोटी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, गेहूं बंद करो। हाँ, इससे मेरे को दिक्कत भी है गेहूं। हाँ, गेहूं दिक्कत करेगा। हाँ, ज्वार कौन से सफेद लाल, अगर लाल ज्वार मिल जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाए। लाल ज्वार सामान्य तौर पर क्या है, आपके पास तो शायद मिल भी जाएगी, सीकर के आसपास मिल जाएगा, हमारे घर में ही है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो लाल ज्वार उसको थोड़ा मोटा पिसवा करके उसकी रोटी, और कोशिश ये करें ज्वार का आटा कम से कम आधा घंटा पहले लगा के रख लें, उसके बाद फिर रोटी बनाएं, क्योंकि ज्वार का आटा थोड़ा पानी ज्यादा लेता है, तो वो पहले लगा के रख लें, और उसके बाद जब रोटी बना रहे हैं ना तब अच्छे तरीके से उसको लगा करके पानी डाल डाल के, ताकि वो पूरा पानी ले लें, और उसके बाद फिर रोटी बनाई जाए। और वो रोटी और उबली हुई सब्जी जिसमें मिर्च मसाले चिकनाई कम से कम हो। उबली हुई सब्जी कैसे सर? उबली हुई सब्जी का मतलब सब्जी जैसे वही अपन जो बना रहे थे, तेल डाला, जीरा डाला, अब जो सब्जी है जो हमें जैसे मान लो लौकी बनानी है, तो लौकी काट के रख ली, धो के पहले अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऊपर से छील दिया, काट के रख ली, उस तेल और जीरे में वो सब्जी डाल दी, उबालनी को पड़े, उसमें मिर्च मसाले नहीं होंगे, और ज्यादा उसको तल रहे हैं, भुन रहे हैं, लगातार उसको डीप फ्राई कर दिया, कढ़ाई में बिल्कुल जला दिया, वो नहीं करना है। अब अपन ने तेल में जीरा डाला था, सब्जी डाल दी, उसके ऊपर से अपन ने हल्दी, हींग, सौंफ और धनिया पाउडर डाल दिया, और फिर अच्छे तरीके से उसको मिला दिया, जब वो मिलना चालू हो जाए तब ऊपर से आपने खूब सारा पानी डाल करके और खुले में उसको उबाला,
खुले मुंह वाला बिना मिर्च मसालों के, अपने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, अपने और जो गरम मसाले होते हैं वो बिल्कुल नहीं, हल्दी तो अपन डाल रहे हैं, हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी में कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी सौंफ जीरा और अपन डालेंगे क्या हींग, ये तीन चीजें अपनी अच्छे तरीके से आ रही हैं, और धनिया, धनिया ठंडा होता है तो धनिया भी अपन अच्छी मात्रा में डाल सकते हैं, अच्छे तरीके से उबाल करके वो सब्जी अपन, और पतली सी सब्जी हो जाएगी ना तो बीच में पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो जो ज्वार की रोटी जो अपन खा रहे हैं उसके साथ जब पतली सब्जी खाते हैं तो वो बहुत आसानी से खाने में आएगी, ठीक है। ये हो गया, तो खाना हो गया, इसके साथ में एक कप छाछ ले सकते हैं, छाछ अच्छी रहेगी, ठीक है। अब दोपहर का और शाम का खाना जो है ना, इसके बीच में आप या तो शहद पानी ले लें सामान्य तौर पर, क्योंकि अपन जैसे मान लो गांव में रह रहे हैं, नारियल पानी नहीं मिल पाए, और नारियल पानी सबके लिए कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है, टेंडर मिलता भी नहीं है, जैसे जहां नारियल के पेड़ होते हैं वहां तो बहुत अच्छा नारियल पानी मिलता है और वो बहुत बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है, अब वो मिल नहीं पाता, अपने यहाँ तो ट्रक आते हैं साउथ से, गिरी निकलती है, बिल्कुल गिरी निकलती है, वो पानी फिर आपके लिए बहुत उचित नहीं, वो पानी इनफैक्ट आपको नुकसान भी करेगा, तो वो नहीं पीना अपन, तो शहद पानी ले सकते हैं या सौंफ पानी ले सकते हैं या फिर बेल का जूस, बेल चल रहा है अभी, तो बेल का पतला सा जूस, बिल्कुल पतला, लोगों को लगता है गाढ़ा पीना है, दूध डालना है, नहीं डालना, मिश्री भी नहीं डालनी, कुछ ही मत डालो, बिल्कुल बेल का गूदा लिया, थोड़ा उसमें पानी मिलाया, अच्छे तरीके से उसको चलाया और फिर खूब सारा पानी मिला के पतला पतला पीना है, ठीक है, तो वो पी लिया। इसके बाद शाम का खाना जो है ना वो हम 7 बजे के पहले पहले खाएंगे, और शाम के खाने के पहले हम थोड़ा चल लेंगे 15-20 मिनट जितना भी हो जाए, थोड़ा व्यायाम या चलना जो भी हो सकता है वो कर लिया, उसके बाद फिर हम शाम का भोजन करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके बाद रात को सोने के पहले हम बेल का चूर्ण, ठीक है, प्लस सौंफ प्लस इसबगोल, इसबगोल आधा चम्मच, सौंफ जो है वो 1 चम्मच और बेल का चूर्ण 1 चम्मच, 2.5 चम्मच टोटल हो जाएगा, इसको 1 ग्लास पानी के साथ ले लेंगे सोते टाइम, रात को सोने के लगभग आधे घंटे पहले, ये पूरा डाइट का अपने को रखना है। पूरे दिन में कम से कम 12-13 ग्लास पानी पीना है, वो सवेरे का जो पानी था मॉर्निंग रूटीन जो पार्ट 1 में अपन ने देखा वो अलग है, ये 12-13 ग्लास पानी 1-1 ग्लास करके पीना है, और इस पानी को अपने को बिल्कुल चाय जैसे पीते ना सिप कर करके वैसे पीना है, ठीक है। एक विशेष ध्यान रखना है, खाने को पिए और पानी को खाएं, ये कंपल्सरी है, रट के रख लो, और जहां हम खाना खाने बैठते हैं वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि खाने को पीना है, और पानी को जब भी पानी पिएंगे ये श्लोक याद आ जाना चाहिए कि पानी को खाने की तरह पीना है, जैसे लगे गले को कि कुछ खा रहे हैं धीरे धीरे करके आ रहा है, हम ऐसे करके जो पानी पी देते हैं ना बड़ा नुकसानदायक होता है, अच्छे को नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है, पहले आपको तो पता होगा पहले पुराने समय में ऐसे पीते थे पानी, फिर ऐसे पीना चालू कर दिया, फिर ग्लास से पिया, फिर बोतल से पिया, ऐसे, तो वो ये वाला तरीका ही बिल्कुल खराब है, पहले के नियम ही लौट लौट के आ रहे हैं, हम ये कुछ नया नहीं बता रहे, जो पहले के लोग पुराने बुजुर्ग हमारे जो चीजें करते थे वही सब ये है, हमने ये सब थोड़ा सा टेक्निकली क्यों करना है कैसे करना है समझाते हुए सीखा है, तो ये बताया जा रहा है। अब ये डॉक्टरी हो गई, 5.5 साल का कोर्स कराने लग गए, उसमें यही पढ़ाते हैं कैसे आपको बीमारियों को ठीक करना है नेचुरली, तो ये फिर कोर्स हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, इतना तो अपन कर लेंगे। रोज रात को सोने के पहले, चूंकि नींद नहीं आ रही है इसलिए रोज रात को सोने के पहले नाक में गाय का घी डालेंगे, और अगर संभव हो जाए तो 1 बाल्टी में आधा बाल्टी गुनगुना पानी भर लिया, उसमें पैर डाल करके 15 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट के बाद पैर निकाले, पैरों को अच्छे तरीके से पोंछ लिया, और उसके बाद सीधे लेट करके नाक में गाय का घी डाला, नाक पे ऐसे करके मालिश कर ली, फिर सोने के लिए जब जाएंगे तो कोशिश करो सोने के आधे घंटे पहले मोबाइल हटा दो बिल्कुल, सोने के आधे घंटे पहले थोड़ा सा माहौल सोने जैसा जो होता है तो वो वैसा बन जाए, क्योंकि नींद डिस्टर्ब है, जो थके होते हैं वो तो रोड पर लेट के सो जाते हैं, लेकिन जो जिनकी नींद गायब हो गई है, नींद नहीं आ रही है, निश्चित ही या तो बहुत तनाव होता है या
शरीर में उतना कार्य क्षमता है ही नहीं कि हम उतना काम कर पाए। जैसे अपन कह रहे हैं ना, काम करने की क्षमता ही नहीं है तो ज्यादा कर नहीं रहे, ज्यादा कर नहीं रहे तो ज्यादा थक नहीं रहे, ज्यादा थक नहीं रहे तो नींद नहीं आ रही, थोड़ा तनाव भी बीच में काम कर रहा है। तो ये चीज जो है ना, गुनगुने पानी में पैर और नाक में घी, नींद बहुत अच्छी लाने का काम करेगा। इतना काम अपने को कर लेना है। अगर ये हो जाएगा तो निश्चित ही डेफिनेटली आपकी ये जो समस्या है इसमें बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसमें सर मेरी क्या है कि वो वात वालों ने एक दवाई दी थी बलारिस्ट ट्रिपला गूगल और सतावरी का चूर्ण, वो बलारिस्ट फिर त्रिफला गूगल, त्रिफला गूगल हाँ खाने के बीच में दिया था सतावरी चूर्ण और इंगास्टिक, सतावरी ले सकते हैं, हिंगवास्टक जो है वो अपन ने डाली दिया क्योंकि हिंगवास्टक ले रहे हैं और अपन सब्जी में वही तो सब डाल रहे हैं। हिंगवास्टक ये कौन था, कौन सतावरी और ये कौन था मुलेठी? हाँ मुलेठी जो है वो जब अल्सर होता है तो मुलेठी अल्सर को हील करने का काम करती है। तो ठीक है, वैसे अगर ये चीजें ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो लिया ही जा सकता है भाई। बलारस जो है वो अच्छी रहती है, त्रिफला गुगुलू जो है वो अपन ने क्योंकि आंवला ले लिया, अब अपने को त्रिफला गुगुलू की जरूरत पड़ेगी। अब अपन ले रहे हैं सतावरी, सतावरी थोड़ा सा खाने को जल्दी पचाने का और थोड़ा ऊर्जा देने का काम कर लेते, खाने के बीच में मतलब आधा खाना हो जाए तब लेने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ले सकते हैं। और हिंगवास्टक चूर्ण जो है वो भी डेफिनेटली लिया जा सकता है, खाने को पचाने का काम करेगा। तो इनको अगर ले रहे हैं ना तो लेते रहो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ में ये रूटीन जो है ना, इस रूटीन के साथ में ये जो चीजें हैं ना ये और अच्छे तरीके से एड ऑन कर देंगी, बढ़िया है। तो इनको चालू रख लो, इनको बंद नहीं करने की जरूरत। ठीक है, एक मिनट।